जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी स्पेशल आर्मी जीडी मॉक टेस्ट। और रात के 8 बज चुके हैं और फिर से हमारा जो है मॉक टेस्ट से शुरू हो रही है। तो जल्दी से जल्दी जो है हम मॉक लगाएंगे और फटाफट मॉक के लिए तैयार हो जाइएगा। भारत माता की जय बोल के साथ में, और हम इस क्लास का जो है आगाज करते हैं यूट्यूब पर। और हमारा जो है आज की क्लास आर्मी जीडी के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। और इस बेहतरीन क्लास के लिए जो एक लाइक बनता है प्यारे बच्चों, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और रात के 8 बजे हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए हमने क्लास को जो है वो शुरुआत करनी है, आगाज करना है। जल्दी से लाइक करें प्यारे बच्चों और फटाफट मॉक टेस्ट सीरीज आर्मी जीडी का, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिनों बाद अग्निवीर आर्मी भर्ती की रैली जो है वो शुरू होने वाली है। और जिसका पहला चरण यानी कि फर्स्ट स्टेप है वो है मॉक टेस्ट सीरीज, यानी कि उसका टेस्ट होने वाला है। तो फटाफट टेस्ट लगाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट प्यारे बच्चों। पहला सवाल, ज्यादा समय नहीं मैं खाऊंगा। पहला सवाल, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का जो टेंपल है वो कहां पर है, किस स्टेट में है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। कामाख्या देवी का टेंपल, कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। कामाख्या देवी का असम, ए असम में स्थित है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। पहले भी हमारे बहुत अच्छे से आंसर दिए थे, कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो असम में स्थित है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल जल्दी से कमेंट करिएगा। द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड या मेडल, सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक वीरता पुरस्कार कौन सा है प्यारे बच्चों? जल्दी से अपना कमेंट आंसर करिएगा। परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है या अशोक चक्र है? जल्दी से कमेंट करिएगा। एक घंटे में फुल मॉक, जल्दी से साथ साथ में दीजिएगा, जल्दी से लॉक कर दीजिए जी। कौन सा? परमवीर चक्र के साथ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया, लॉक कर दिया है। परमवीर चक्र ही आपका सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल हु इज कंसीडर्ड द मेन प्रोवेंटर ऑफ मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करना है। तो करेक्ट आंसर है कार्ल मार्क्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। कार्ल मार्क्स को जो है वो मार्क्सवाद का ही उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, नारों से जुड़े हुए क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे हैं। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था कमेंट करिएगा। दयानंद सरस्वती वैसे इसका सही आंसर है। बार बार कह रहा हूं ये नारों से जुड़े हुए हैं, वैसे ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने ये कहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन के साथ जितने भी बच्चे हैं गए हैं, बहुत ही बढ़िया। बाल गंगाधर तिलक ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है बच्चों। अगला सवाल, रामायण ग्रंथ किसने लिखी है? रामायण जो है वो किसने लिखी है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। वीडियो को शेयर करो, पता लगे कि आपकी अकेडमी की क्या चल रहा है, आपकी एकेडमी की क्लासेस कैसी चल रही हैं, आपका ये चैनल कैसा, ये क्या दे रहा है आपको, ये रोजाना आपको मॉक लगवा रहा है। कल भी आएंगे, रोजाना आएंगे, मॉक लगाएंगे। आज ईद है, अपने मुसलमान भाइयों के लिए मैं ईद मुबारक बोलता हूं उनको भी, और इस चैनल की तरफ से भी। आप फटाफट भैया लगा दीजिए, आपने इन सवालों को जवाब दे दीजिए फटाफट। तो रामायण किसने लिखी है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल, इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी कि भारतीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? मुंबई, दिल्ली, खड़कवासला या देहरादून? ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे कंपिटिटिव में लिहाज यानी कि पिछले सालों में जो आए थे उन्हीं मॉक्स को मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जो है बेटा आने हैं।
15 क्वेश्चन है जीके के, 15 में से 10 तो यहीं से आएंगे, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। तो आज ही पक्का कर लो, मेरिट में बन जाओ, मेरिट में आ जाओ भैया। देहरादून के साथ जा रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए, डी ऑप्शन, एनडीए बोलते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? द बैटल ऑफ पानीपत, जल्दी से बताएं। मराठास वॉज डिफीटेड बाय औरंगजेब, जहांगीर, शेरशाह सूरी या अहमद शाह अब्दाली। 7 नंबर सवाल आ गया है, समय ना गवाएं, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मोहित, नितिन, आर्यन ठाकुर, बहुत बढ़िया मुनीश राणा, सभी आंसर दे रहे हैं। अनुज, सन्नी चौधरी, बहुत बढ़िया बेटा, सभी आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, लगे रहो हमारे साथ। यूनिवर्सल डोनर बताएं, ब्लड डोनर यानी कि सर्वदाता, जो सबको दे सकता है, कौन सा ब्लड है, ओ ए बी या बी या ए, जल्दी से अपना आंसर करें, जल्दी से अपना आंसर करेंगी। बहुत बढ़िया आदर्श राणा, मोहित, डी के साथ जा रहे हैं, कोई ए के साथ जा रहा है, बहुत बढ़िया, सभी अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा वो है ओ पॉजिटिव, यानी कि ओ, बहुत ही बढ़िया, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए भी जो है वो सर्वग्राही है, एक्सेप्टर है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इज लोकेटेड इन विच प्लेस, हेडक्वार्टर बताइए, मेलबर्न में है, नई दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, जल्दी से अपना आंसर कर दो, कमेंट कर दो बेटा, कहां पर है मुख्यालय, हेडक्वार्टर। पहाड़ी गेमर्स भी आए हैं हमारी गेम में, बहुत ही बढ़िया, पहाड़ी, तो सही आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, दुबई। आईसीसी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, सन टेंपल, सूर्य मंदिर कहां पर है, जल्दी से बताइएगा। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, मैं बता देता हूं कहां पे है, उड़ीसा में है। अब कौन सा प्लेस है, देखिए, चेन्नई, गोवा, मदुरई या कोणार्क, सभी आंसर करते रहिएगा। कोणार्क के साथ मैक्सिमम आंसर जा रहे हैं, कोणार्क के साथ जा रहे हैं, मैं भी आप ही के साथ जा रहा हूं। कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, डैश इज यूज टू फेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, फिलामेंट यानी कि बिजली के बल्ब में कौन सा फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, मेक अ फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, टंगस्टन, लोहा, आयरन यानी कि लोहा, तांबा था, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आंसर कर सकते हैं आप अपना अपना, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिएगा। तो सभी टंगस्टन के साथ जा रहे हैं, ए ऑप्शन टंगस्टन, बहुत ही बढ़िया। और जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हैं मैं आपको बता देता हूं, ये ही आपको पीडीएफ भी थोड़ी देर में मिल जाएगा, सेम नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी ये मिलेगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर, एक्सिस पर, पूर्ण रूप में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूम पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए 24 घंटे, ए बिल्कुल सही आंसर है बेटा, 24 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने के लिए। नेक्स्ट, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वे कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है, मतलब इन तीनों में तो मुद्रा रुपया है, और कौन सा देश है जहां की मुद्रा भी रुपया है, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार या भूटान, सभी आंसर कमेंट कर सकते हैं अपना अपना आंसर। एक सपना है आपका भी और मेरा भी सरकारी नौकरी का, मैं जरूर आपको सरकारी नौकरी का सपना पूरा करवाऊंगा, आप बस ईमानदारी से अपना अपना आंसर जो है वो देते रहे। नेपाल में भी रुपया है, नेपाल में भी रुपया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा,
किसकी ये पंक्तियां हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या जयदेव? अपना आंसर जो है वो साथ साथ में कमेंट कर दो बेचा, साथ साथ में कमेंट कर दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मोहम्मद इकबाल। बी ऑप्शन था मोहम्मद इकबाल। अनुज बहुत बढ़िया आंसर है, बी ऑप्शन। अगला सवाल, हु फाउंडेड गुलाम डिस्ट्री इन इंडिया? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? जो खुद गुलाम था उसी ने ही की है, ये याद रखिएगा। बाबर, अकबर, औरंगजेब या कुतुबुद्दीन ऐबक? आपको पता है ना, मेहरोली का जो कुतुब मीनार है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही। जल्दी से आंसर कर सकते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। मैं आपको हिंट भी दे रहा था, हिंट भी दी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका सही आंसर है। बहुत बढ़िया सन्नी चौधरी, सन्नी चौधरी बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे भारी कण, देखिए 16 नंबर सवाल, आपको बचा 1 से 15 जो है वो आएंगे जीके के। अब 16 से लेकर 30 तक जो है वो आपके चलने वाले हैं जनरल साइंस से जुड़े हुए, तो जीएस के आगे हैं आपके क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। सबसे भारी कण कौन सा है? भारी कण कौन सा है, सबसे भारी कण? बीटा है, एक्स है, गामा है या अल्फा किरणें हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा अल्फा किरणें। अल्फा किरणें जो है वो सबसे भारी किरणें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कौन सी है, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रस ऑक्साइड होता है, अब नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं मोहित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रख लेना है। क्या याद रखना है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल, BCG वैक्सीनेशन जो होता है, BCG के टीके लगते हैं, उनका उपयोग जो है के रोकथाम के लिए किया जाता है, यानी कि किसकी रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तेबिदिक, डेंगू का, प्लेग का या टाइफाइड का? जल्दी से अपना आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मगर करेक्ट आंसर है वो है ट्यूबरक्लोसिस का, तेबिदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स, हड्डियों को मजबूती देता है? कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है? प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर दो, अपना आंसर दो प्यारे से, प्यारे से आंसर डालते चलो, डालते चलो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। साउंड कैसे आ रही है ये भी जरूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, और सबसे ज्यादा ए किसमें होता है? गाजर में होता है बेटा। अगला सवाल, हमारे शरीर में स्नायु डैश को जोड़ते हैं, इन अवर बॉडी लेगामेंट्स कनेक्ट मसल्स इन मसल, मसल इन टू बोन, मसल्स इन स्किन, मसल टू बोन? जल्दी से, सॉरी बोन टू बोन, कौन किसको जोड़ते हैं आपस में कनेक्शन? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ए के साथ जा रहे हैं, और डी आंसर है बोन को बोन से जोड़ते हैं स्नायु लिगामेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, कौन सी गैस यूज होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। पेय पदार्थों में कौन सा यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि आपके थम्स अप हो गए या सोडा हो गया, इनमें यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है, द स्पीड ऑफ शिप्स मेजर, पानी के जहाज की गति डैश में मापी जाती है। पानी की गति मतलब पानी के जो जहाज होते हैं उनकी गति मापनी है, किलोमीटर प्रति आवर, हाउस पावर या नॉटिकल माइल्स या मीटर पर सेकेंड? अपना आंसर जो है वो बेटा साथ साथ में कमेंट करिए। समय 1 घंटे का होगा आपका पेपर का, जल्दी से साथ साथ में आंसर देना होता है, साथ साथ में आंसर देना होता है। जरूर बताइएगा आवाज कैसी आई है आज, ये जरूर बताइएगा, आवाज में तो नहीं दिक्कत? डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, नॉटिकल माइल्स प्रति
घंटा या माइल्स पर आवर, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आ गया, पौधे सांस लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और डैश बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन, एलपीजी, नाइट्रोजन या मीथेन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना आंसर साथ साथ में कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा साथ साथ में, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बन जाओ भैया, लग जाओ इस क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं शाम के समय में, यानी कि रात के समय में ये ऑक्सीजन, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज टू इन फूड पैकिंग, जब हम फूड पैकिंग यानी कि खाद्य सामग्रियों को पैक करते हैं तो कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फूड पैकिंग में। आर्यन ठाकुर बहुत बढ़िया, ऑल गेमिंग बहुत बढ़िया बेटा, अनुज, मोहित बहुत बढ़िया जी, सभी आंसर करते रहिएगा, सभी आंसर, नितिन बहुत ही बढ़िया, सभी आंसर देते रहो, सभी साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस करते रहो। करेक्ट आंसर रहेगा बी, नाइट्रोजन। जो भी आपके चिप्स खाने के पदार्थ है, चिप्स होती है जैसे, तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस को जो है फिल किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, यानी कि क्रियाशील, एक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल जो है, चांदी है, पोटाशियम है, प्लेटिनम है या गोल्ड है। अपना आंसर करिएगा, कौन सा रिएक्टिव मेटल है, जल्दी से आंसर बताइएगा, रिएक्टिव मेटल। बहुत बढ़िया अनीश ठाकुर, सी ऑप्शन, पोटाशियम, और ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, और सोडियम भी भैया। प्रकाश वर्ष को किससे मापते हैं, मापने की इकाई देखिए, ध्वनि की है, प्रकाश की तीव्रता की है, ऊष्मा की है या दूरी की है। द लाइट ईयर इज मेजरिंग यूनिट ऑफ डैश, किस चीज को मेजर किया जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया आंसर सभी के आ रहे हैं, और सभी मैं डेली बोलूंगा आपको आंसर देते रहे अपने अपने सुंदर सुंदर आंसर भैया। डी ऑप्शन, डिस्टेंस, दूरी का मापक है ये प्रकाश वर्ष, और सबसे बड़ी अगर दूरी का यूनिट पूछा हो तो पार्सिक, क्या है, पार्सिक। अगला सवाल, ओम्स लॉ स्टेट्स यानी कि ओम का नियम क्या है, R इज इक्वल टू वी आई, आई आर इक्वल टू वी आर, वी इक्वल टू आई आर, पी इक्वल टू एम जी एच। जल्दी से अपना आंसर जो है वो दीजिए 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 आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी जीडी वाले जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे वो सब तैयारी करें हमारे साथ, रोजाना रात 8 बजे, रोजाना 8 बजे तैयारी कर सकते हो बच्चों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रोजाना 8 बजे आप रेडी रहा करो, तैयार रहा करो कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं और बेहतर टू बेहतर ले आऊं। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ये इसका सही आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया अनिश ठाकुर, सुमन, आदर्श बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज लोकेटेड, पृथ्वी के का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहां स्थित है, जल्दी से आंसर करिएगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका या अंटार्कटिका, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। समय होता जा रहा है हमारी, 28 क्वेश्चन को हमने 20 मिनट में किया है प्यारे बच्चों, बहुत अभी टाइम है आपके पास, खुला टाइम है, 1 घंटे में पेपर हमारा आराम से हो जाएगा, जल्दी से करिए, बहुत ही ज्यादा समय होता है आपको पेपर में पहचानना है, बस जीके साइंस को सबसे पहले लगाना है आपने, ठीक है, मैथ नहीं लगाना होता सेक्शन। तो आंसर रहेगा वो है डी, अंटार्कटिका। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरियर टू टाइफाइड एंड कॉलरा, डीमन में से कौन सा ज्वर और हैजे को फैलाता है, चींटी, मच्छर, चूहा, मक्खी, तो बताएं आप जल्दी से किसकी वजह से जो है टाइफाइड फैलता है या कॉलरा, जल्दी से आंसर करिएगा।
तो आपका सही आंसर रहेगा वो है डी ऑप्शन, मक्खियों के द्वारा बेटा फैला जाता है ये टाइफाइड और ये कॉलरा जो है हैजा, मक्खियों से भी फैलता है, पानी से भी फैलता है। अगर पानी ऑप्शन होती तो पानी भी सही चलेगा। अगला सवाल, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर चंद्रमा पर हम चले जाएंगे तो बढ़ जाएगा या जैसा है वैसा रहेगा, 100 गुना हो जाएगा या घटता है? जल्दी से आंसर साथ में बच्चों दीजिए, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा क्या भैया अगर आप चंद्रमा पर छोड़ दिए जाएगा, हमारा वेट का क्या बनेगा? तो सही आंसर देख लेते हैं बच्चों, सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, घट जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वहां पर हमारा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, 31 नंबर सवाल बेटा। अब 31 से 45 नंबर जो सवाल है वो मैथमेटिक्स के हैं, एप्टीट्यूड के हैं, मैथ के हैं, सिंपल गणित वाले, ठीक है ना? तो अब ध्यान से लगाने हैं सभी ने गणित के क्वेश्चन। 31 से सभी तैयार हो जाइए अपने अपने प्यारे प्यारे बच्चे। पहला सवाल आपका आ चुका है, निम्न में से किसमें न्यूनतम अंग दिस को विभाजन करके भागफल एक पूर्ण घन होता है, पूर्ण घन होता है यानी कि घन बनाना है आपको, जो घन नहीं है उसको घन कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले आप फैक्टर ले लीजिए, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सभी के सभी बच्चे, ध्यान से दीजिए बेटा, ध्यान के से आंसर दीजिए, भागफल का पूर्ण घन क्या होता है? जल्दी से आंसर कैसे होगा मैं पहले इसके लिए बता देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं यूं करके 8 7 8 के, ठीक है? कि किसके टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 4 8, फिर से 2 से चल जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14, क्लियर हो रहा है? ठीक है, 13 से चला जाएगा अब, 13 1 13, ठीक है, 6 और 9 ये आ जाएगा, ठीक है जी, 13 3 169 और 13 1 13, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर आपका पूरा क्या बन गया है, परफेक्ट क्यूब बन गया है, ठीक है जी। अब 2 का एक अलग से पेयर बन रहा है, यानी कि पूर्ण घन बनाने के लिए आपको कितने जोड़े की जरूरत पड़ रही है? 1 तो आ रहा है, 1 2 की जरूरत पड़ रही है ना? अगर 1 2 की जरूरत पड़ रही है तो प्यारे बच्चों क्या होगा कि 4 से विभाजित करने वाला जो भाग फल है, ठीक है, वो क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 4, क्योंकि हमारा जो ये आ रहा है ना 2 2 4, 1 तो लेफ्ट रह रहा है, तो ये जो 4 है ये हमारा भागफल रहेगा, जो पूर्ण घन का भागफल रहेगा, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया अक्षय, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और इसको विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को जब भी करना हो, जब भी आपको लिखाओ बड़ी से बड़ी संख्या और संख्याएं दी हो, तो क्या करना होता है, शेषफल को इससे और इससे यानी कि दोनों से माइनस कर लो, 245 में से भी 5 लेस कर लो, कितने हो गए 240, और 1029 से भी 5 लेस कर लो तो 1024। अब आपने इसका HCF निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है? HCF निकालना है, जल्दी से HCF निकालिए, दोनों का HCF निकालिए, क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जल्दी से निकालेगा इन दोनों का HCF, जो HCF होगा वही आंसर होगा, साथ साथ में आंसर दीजिएगा।
देखिए 17 हो नहीं सकता क्योंकि 7 के टेबल में 0 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। ठीक है जी, 18 है, 16 है और 8 है। अब जब बताएं जल्दी से जल्दी आंसर बताते चलिएगा, कौन सी ऑप्शन आपकी हिसाब से हो सकती है, जल्दी से बेटा आंसर कर दो। तो आपको ये पता है कि 8 ये जो है ये यहां पर भी फैक्टर बन रहे हैं, यहां पर भी बन रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है ना वो सी ऑप्शन 16 पर जा रहा है, 16 जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, 16 आंसर आएगा बेटा, 16 आंसर आएगा। HCF कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है जी, अगला सवाल, LCM निकालो लघुत्तम समावर्तक 12 24 30 का। LCM, LCM क्या होता है, मैक्सिमम। तो इसमें मैक्सिमम देखो, ये मेरे ख्याल से 120 की 60 इनमें से होगा आपका। LCM कैसे लेंगे, यूं करके 12 24 30, दो से ले लो, दो 2 6 12 2 2 4 2 15 आ गया, तीन से ले लो, तीन दूनी 6, तीन चौके 12, तीन पंजे 15, उसके बाद दो से ले लो, दो एकम दो, दो दूनी 4 और ये 5, 10 ये हो गए, दो दूनी 4 और 4 ती 12 और 12 10 120, 120 आंसर आ रहा है भैया। बी ऑप्शन आंसर है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, 102 की पावर क्या होगी, जल्दी से, 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर यानी कि 100 से कितना, 2 ज्यादा है, तो 2 दुनी 4 आ गया और इसमें भी 2 ही प्लस कर दिए तो 1004, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आंसर होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन होगा। मैं फिर से बता देता हूं, कभी भी ऐसे हो 102 का स्क्वायर पूछा हो तो 100 से कंपेयर करो ये कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा था तो 2 दुनी 4 और इसमें भी 2 प्लस कर दो तो 104, इस प्रकार से डायरेक्ट आंसर निकलता है भैया। अगला सवाल, 35 नंबर सवाल आ गया है बेटा, अभी भी समय बहुत है हमारे पास, अभी भी हमारी क्लास को लगे हुए सिर्फ 28 मिनट हुए हैं, 28 मिनट में हमने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं बेटा, पेपर हम आराम से कर सकते हैं, डरने का नहीं है, आपको दिल लगा कर क्वेश्चन करने, दिल लगा कर क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से लगाइए क्वेश्चन लगाइए। राम के पास 45,000 रुपए थे कुल रुपए का 3/5 अपने बड़े भाई और बची हुई संख्या से 1/3 भाग छोटे भाई को देने के पास राम के पास कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले इसने क्या किया है, उसने पैसे लिए हैं और अपने बड़े भाई के पास जो है वो 3/5 भाग दिया है, कितना दिया है, 3/5, जल्दी से आंसर कर लीजिएगा, साथ साथ में कर लीजिएगा। साथ साथ में आंसर करिएगा सभी, साथ साथ में आंसर देते रहिएगा। तीन बटा पांच भाग अपने भाई को दे देता है, वो किस प्रकार से, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, 9000 आ रहा है। हाँ, यहां पे कुछ मिस्टेक है मेरे भाई, 9000 इसमें मिस्टेक है, यहां पर आप 2/3 कर लो, यानी कि 2/3 कर लो बेटा, ये मिस्टेक है, मैंने देख रहा था, वही मिस्टेक देख रहा था, 2/3 होगी यहां पर, देखो 45,000 था, इसका 2/3 भाग उसने दे दिया, तो 3 से करो वाला, 3 एकम 3, 3 5 15, कितना हो गया, 15 दूनी 30,000,
कितना हो गया जी, 30,000 हो गया, 45,000 में का, यानी कि कितना आ गया 30,000, 30,000 तो दे दिया अब, ठीक है। तीन नहीं नहीं 15 दूनी 30 ना, 45,000 का था, हाँ तो 30,000 दे दिए ना, ठीक है 30,000 हो गया, 30,000 यानी कि 45,000 में से 30,000 गया तो कितना बच गया 15,000, ठीक है जी 15,000 का अपने भाई को दे दिया, 1/3 हिस्सा, 3 × 5 = 15, 5,000 उसके पास बच गए, कितने बच गए 5,000 रुपए बचेंगे जी, 5,000 रुपए बचेंगे बेटा, ठीक है जी। और शेष जो है उसके पास कितने बचे हैं, तो शेष उसके पास कितने बचे हैं, तो शेष कहां से बचेंगे, ठीक है दोनों का डिफरेंस ले लो, 5,000 और 15,000 30,000, ठीक है। तो ये पूछा था राम के पास कितने रुपए बचे हैं, 5,000, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समय वेस्ट नहीं करना है आपने। 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 महीने का 600 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करें, 600 रुपए का साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज बोला है कुछ भी नहीं है, 4 महीने का है, ठीक है। तो 600 रुपए का आपने कितना निकालना है, 5%, कितना हुआ बेटा 5×6=30, ये तो पूरे एक साल का हुआ, आपको कितने का चाहिए 12 महीने का, तो 4/12 कर लो, कितना कर लो 4/12 कर लो, 4×1=4, 4×3=12, 3 से 11 तो कितना आ गया बेटा 10 रुपए, कितना आ गया 10 रुपए, 10 रुपए होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन, 10 रुपए बेटा, 10 रुपए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। पेपर में कई बार क्वेश्चन जो है ना वो गलत भी आते हैं, थोड़ी सी वैल्यू फंस जाती है, तो आपने फंसना नहीं है, समय खा रहा है आप छोड़ दो, स्किप करो उस क्वेश्चन को, अगले पर चलो, ठीक है। एक धनराशि 2 वर्ष में 1,040 रुपए हो जाती है, और 2 वर्ष में वो 40 रुपए है, मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 40 रुपए है, तो दर ज्ञात करें, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अमाउंट दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 1,040, साधारण ब्याज 40, टाइम 2 साल। अब आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और इन्होंने हमसे दर पूछी है, ठीक है, क्या पूछी है, दर पूछी है, अगर 40 रुपए आपका ब्याज मिल रहा है और ये इसमें है, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 1,000 रुपया, ठीक है। तो आपका अमाउंट आ गया 1,040, ये हो गया SI, हो गया ये, तो SI के अब आपसे रेट पूछा है, तो P प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चा, ये तो हमारे पास कितना आ गया है, ये 40 रुपए सर, ठीक है जी। और SI का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करो, कोशिश करो मेरे भाई। तो P हो गया आपका 1,000 रुपया, रेट आपको निकालना है, टाइम आपके पास दिया है 100 आ गया, 2 जीरो ये जी गई और 1 जीरो ये गई, और 2×1=2, 2×2=4, तो रेट आ रहा है 2%, 2% ऑप्शन है बी ऑप्शन, 2% बी ऑप्शन आ गई है प्यारे बच्चों, 2%। सभी आंसर साथ साथ में देते चलो, साथ साथ में देते चलो, मैथमेटिक्स की केस में जो है ना मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो स्किप मार जाते हैं क्लास को, पर स्किप नहीं करनी होती है, यहीं पे मैथ बनना है आपका। अगला सवाल करने की कोशिश करो, एक दुकानदार को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताना है, हानि हुई है बंदे को। अब आपको पता ही है हानि यानी कि लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो व्यक्ति ने क्या किया है, व्यक्ति को हानि हुई है कितनी की, 4 संतरों के बराबर की, ठीक है। और उसका हानि परसेंटेज तो हमने बताना है, मगर सबसे पहले हमें उसका कॉस्ट प्राइस चाहिए, ठीक है।
तो 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों की हानि होती है, तो सीपी माइनस 36 इधर हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा 40, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो लॉस उसको कितना हुआ था 4 संतरों का, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 40 गुना 100, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, तो टोटल कितना आ गया 10% है, तो 10% का जो है उसको हानि होगी। ये इसका सही आंसर आएगा, ये आएगा इसका सही आंसर सर। जल्दी से जल्दी अपना अपना आंसर करते चलिए। जल्दी से जल्दी अपना अपना आंसर करते चलिएगा। जल्दी से अगले का आंसर दीजिएगा। 10 मीटर है, 5 मीटर है, माप की एक कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो इसके लिए तो सिंपल सा हमारा मेथड बताना है आपको। एक माप है, जैसे ये कमरा है और इसके अंदर छड़ रखनी है यूं करके, ठीक है। तो इसकी एक 10 मीटर लेंथ है, यूं करके होता है ना रूम, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बनाने की कोशिश की है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये चीज निकालनी है आपको। बताएं आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जल्दी से आंसर बताइएगा। तो सबसे पहले लंबाई कैसे निकालेंगे, हाँ बहुत बढ़िया, 10 ही आ जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 10 100 प्लस 100 तो कितना हो गया बेटा 200, तो 200 का रूट हो जाएगा, तो जो कि हमारा ए टू सी निकल जाएगा, ठीक है। ए सी तो कितना हो गया बेटा 10√2, कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। अब हमें क्या रखना है, कमरे में कितने लंबी से लंबी छड़ रख सकते हैं, ठीक है। कमरे में हमें लंबी से लंबी छड़ रखनी है, यहां पर भी रख सकते थे, एसी स्क्वायर जो है जो कि हमारा 200 के इक्वल था ये वाला, ठीक है, इसको रखना है तो 200 ये आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है, 200 प्लस हाइट, क्योंकि इसकी 5 है तो 5 का भी स्क्वायर यानी कि 25, 200 प्लस 25 तो कितना हो गया 225 और जो 225 है वो उसका यानी कि स्क्वायर रूट ले लीजिए पूरे का, कितना आ जाएगा 15 मीटर, कितना आ जाएगा 15 मीटर, तो 15 मीटर इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अगला सवाल, चेंज 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन, भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 25/100 पॉइंट, इसके बाद जितने डिजिट आते हैं उतने जीरो नीचे लगाने, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 ऑप्शन, कुछ नहीं है, टाइम वेस्टेज है, साथ साथ में ही आंसर आ जाने चाहिए प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन देखा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, यदि एक विषम अंक से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा, अब कमेंट करें। जल्दी से, अगर एक विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता ही है अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ना 5 के टेबल में 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 2 आएगा, तो कौन रह गया 5 रह गया, बस ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ध्यान से पहचाना करो। एक आयत की भुजाएं 5 मीटर है और 4 मीटर है, आयत होता है रेक्टेंगल, ठीक है, तो उसका परिमाप निकालना है,
परिमाप पूछा है तो परिमाप का आपको फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। तो परिमाप का क्या फॉर्मूला होगा बच्चा? परिमाप का होता है 2 times of length plus breadth। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है रेक्टेंगल की, यूं करके रेक्टेंगल है और 5 और 4। ठीक है, तो 2, 5 plus 4, 5 और 4, 9 और 9 दुनी 18, 18 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा बच्चा। देखो देखो आराम से, कौन आया? बहुत बढ़िया, सुनील साहू, आकाश राणा, मोहित, सुमन, ऑल गेमिंग, बहुत बढ़िया बेटा, सभी के आंसर्स बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे का जो माप है वो इतने इतने मीटर है और 7.50 रुपए प्रति वर्ग की मीटर की दर से कमरे की कुल पुताई का खर्चा बताना है। तो कमरे का पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, है ना, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो बेटा। सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हमारा फॉर्मूला होगा चारों दीवारों के लिए? तो 2 times of breadth height plus height or length। ठीक है जी, हाइट और लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। पुट कर दो वैल्यूज, 2, 4 into 3 plus 3 into 5, 4 4 12, 5 15 और कितना हो जाएगा 4, 5 6, 7 और 2, 27 और 27 ठीक है ना, और कितना हो गया, करो 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 बेटा, कहीं पे मिस्टेक ना हो, 7 4 28, 4 2 8, 9 10, 108 आ रहा है। कितना आ रहा है? 108 आ रहा है मेरा। आप देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, आप अपना अपना आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 108 जो आया है ये तो टोटल चारों दीवारों का आ गया है। अब इसको आपने क्या करना है, 108 को 7 रुपए 50 पैसे, 108 × 750/100 कर लो सीधा ही, 0 से 0 गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 5 25, 2 से 2 5 10, 2 4 8, 54 को 15 से गुणा कर दो, 5 4 20, 2 5 25 और 4, ये 5 4 9 10 11, 1 1 2 1 3 यानी कि 1 ही आ गया, 5 6 7 8, 810 आ रहा है, 810 आ रहा है। इनमें से कोई नहीं, फॉर्मूला गलत है गुरुजी, नहीं, फॉर्मूला कहां से गलत हो गया भैया? ए ऑप्शन जा रहा है, पर इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दीस में आ रहा है, नन ऑफ दीस में है, कोई मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, मिस्टेक है, फॉर्मूला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, एक घड़ी 760 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 760 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि हुई, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो जल्दी से। एक घड़ी को 760 रुपए में बेचा है और उसे 40 रुपए की हानि हुई है तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 700 हानि हुई है ना, तो कितना हुआ 700, कितना होगा जी हानि हुई है, यानी कि 800 रुपए में उसको बेचना था तो उसको प्रॉपरली, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 800 रुपए का, हानि कितनी हुई 40 प्रतिशत पूछा, हानि प्रतिशत, हानि बटा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 8 1 8, 8 5 40, 5% आंसर होगा, क्या आएगा 5% होगा बेटा, 5%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी भी हमारे 45 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं बच्चों, और अभी भी समय जो है वो 46 मिनट हुए। जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर करिएगा। क्या है, 2 × 2 = 3, 2 = 5, 2 की पावर 2 × 5/2, 2 से 2 गया तो 2 की पावर 5 जो कि किसके बराबर होगा, 32 के बराबर। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही 32, बिल्कुल सही ए ऑप्शन 32, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि हमारे हैं ये रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल, रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल हैं। जल्दी से अपना आंसर जो है वो साथ में लगाए। अब कोड दिए गए हैं आपके पास, जैसे कि CAT साथ साथ में, CAT का कोड है DDY, ठीक है, क्या दिया है DDY। अब देखिए कैसे है, सी के बाद डी है, यानी कि कुछ नहीं हुआ है, सी के बाद जो डी आया है यानी कि +1 आया है, ए के बाद भी डी है, ए के बाद डी कब आ रहा है, ए के बाद देखो BCD यानी कि +3, टी के बाद देखो कौन आ रहा है, टी के बाद वाई है, कितना आया, टी के बाद आगे गिनो +5 आएगा। इसका मतलब आपको BIG के केस में भी काउंट करना है, ABCD भैया होनी चाहिए, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बी के बाद क्या आएगा बेटा, +1 हुआ है ना, बी के बाद सी, यहां पर देखो सी वाले सारे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद आप +3 करिए, 1 हो गया +3, आई के बाद क्या होगा, आई के बाद जे होगा, फिर के होगा, फिर L होगा सर, तो ये लीजिए L, फिर 5 बार करना है, G के बाद करिए HIJK और फिर से L ही आया, ये लीजिए CLLL। A ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन बचा, A ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो को ना साथ साथ में लगाना और साथ साथ मॉक लगाना, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल, 47 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में बोला है यदि गणेश एक पंक्ति में एक सिरे से 7वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुछ नहीं करना है आपने, 7 + 11 और -1 कर देना है, हर बार -1 कर देना है। 7 और 11 कितने हो गए, 18, और 18 में से 1 गया तो कितने बच गए, 17। डी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा बच्चों। सभी ऐसे ही क्वेश्चन को करें, बहुत बढ़िया अनीश ठाकुर। अगला सवाल ट्राई करने की कोशिश करिएगा कि एक चित्र है जिसमें एक पुरुष बोल रहा है, मैन क्या की ओर संकेत करते हुए, पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू बोल रहा है, ये राजू है, कौन है जी, राजू। इसके बारे में बता रहा है, उस आदमी के बारे में क्या कहा है, वे मेरी बेटी यानी कि राजू की बेटी, बेटी यानी कि राजू की परी, पापा की परी, ठीक है, जो वे मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। राजू जो है वो कह रहा है ये जो मेरी बेटी है, ये फिर से पढ़िए, वे मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, वे मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी कि वो किसका संबंध, राजू का उसके साथ क्या संबंध हुआ, पिता का संबंध हुआ, ठीक है, फादर, ठीक है, ए ऑप्शन, ना कि सन का होगा, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। राजू पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा, देखिए फिर से देखिए, पुरुष की ओर इसकी तरफ संकेत किया कि वे मेरी बेटी के, मेरी पुत्री के पिता, पुत्री का पिता कौन हुआ,
राजू के पिता का पुत्र है, पिता का पुत्र है, यानी कि ये पिता नहीं होना चाहिए यहां पे मेरे ख्याल से, तो पुत्र ही आंसर होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो चलेगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये रॉन्ग लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया जी, डी ऑप्शन ही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट, पता लगाएं सबसे छोटी इकाई इस हिस्से भाग हो और पूर्ण वर्ग भी हो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ चुके हैं, सभी आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 49 क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी ट्राई करिएगा, ट्राई करिएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उठा उठा कर लाए हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर इज बी ऑप्शन 900। बहुत बढ़िया जी, अगला सवाल, अगला सवाल बताएं, ये भी कोड से जुड़ा हुआ है, सभी आंसर ट्राई करना पड़ेगा भैया, ट्राई करना पड़ेगा, कृपा कहीं नहीं अटकी है। कोड देखिए, कोड देखिए, BUILT5#32@, ठीक है, ट्राइब का देखिए TRIBE, देखिए T की जगह T है, R का क्या है 935 और ये अंडरस्कोर, अब पूछा है RULE, ठीक है, आर का देखिए क्या है यहां पर 9 से है शुरू, ये रहा दो क्वेश्चन ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद यू का क्या है, ये है, ये क्या है, हैश है, 9#9#, ए ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये है टेस्ट सीरीज आपकी जो कि मॉक टेस्ट सीरीज है, और हमने पूरे 53 सेकंड्स में बेटा हमारा पूरा लगा लिया, 53 सेकंड्स में, ठीक है, मिनट्स में, सॉरी सेकंड तो नहीं बोल सकते, 53 मिनट्स में हमने पूरा मॉक लगा लिया, अभी भी हमारे पास 7 से 8 मिनट बचते हैं पेपर में, इस प्रकार से आपका मॉक लगेगा, ठीक है जी। आपको आज की क्लास कैसे लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, अगर पसंद आए तो दोस्तों को बताइएगा, डेली मॉक लगाए हमारे साथ विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक हैंडल पर भी। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, जय हिंद, जय भारत।